सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं बागेश्वर महिपाल और इस वक्त मैं खड़ा हूँ बागेश्वर पोस्ट ऑफिस के समय। आप सभी को होली की मतलब हुई तो लह गई लेकिन होली की बधाई, क्योंकि आई लव जो थो आज दंपति टीका जो मैं सुनी अब घरवाई गया टिक्कल बोली मतलब ये दंपति टीका जब सुनिएगा तो आज हम घरवाई तो मैच हो लेकिन फिर ले तुम सपन के दंपति टीका बधाई। और मैं आई लरी पोस्ट ऑफिस जो पोस्ट ऑफिस बहुत पुराना पोस्ट ऑफिस थो यो इधु पुराना पोस्ट ऑफिस थो मतलब जब मतलब यार हमारा भारत आज़ाद होने वाल वो बाद जो मतलब यहाँ प्रक्रिया चल नहीं कि कहाँ पोस्ट ऑफिस पुराना हॉल कहाँ के हॉल कबे तो तब बटी ये डाकघर जो मुख्य डाकघर जो यहाँ बटी जो ना पुर मतलब बक्सर जिला लीजिए यहाँ बटी जो डाक यहाँ बटी बटो तो मी इतनी ठाड़ थी तो मीन सोचो यार जब इतनी भी पोस्ट ऑफिस में आ रही थी यार तो जब यहाँ आ रही तो यहाँ अगला जरा नज़ारा देखा देना कि कस इतनी माहौल रहा। और यह जो देखें जा पोस्ट ऑफिस सामने हम बबलू जोशी जी दुकान जो बागेश्वर में जो सब्जी का होलसेलर छिन थोक विक्रेता छिन तो इतनी मैं अरे तो इतनी पेट्रोल पंप ला छू जहाँ जो छू तेल मिलो हर वक्त मिल जा। और दूर देख सकते हैं चंडिका मंदिर दिखिन हो चाहे बाउंड्री दिखिन है जो अलभेर मतलब हमार नगर पालिका अध्यक्ष श्वेत खेतवाल जी ने जो इतनी बैठने लीजिए बड़ बढ़िया व्यवस्था बन रखी तुम देख सकते हो। और इतनी एक भगवान शिव एक बहुत बढ़िया मूर्ति जो तो ये बागनाथ मंदिर हो जानी वाल मुख्य गेट जो और यह गेट का ही कार्य हमें भटजी ने दुकान जो और जहाँ जो जो मीन चश्म पहन रखो आज ये चश्म ले रखो तो मीके होइन में मीन पे चश्म पहन रहे रंगीन चश्म तो मैं कभी पहननी ना लेकिन जब मीन देखो यार मैं बल दिखी नहीं तो मीनका ये चश्म पहन लेना तो भटजी वहाँ पर ले और भटजी पूछ ले यार भटजी का सर है दुकानदारी कदू चलना है। सबसे पहले भटजी नमस्कार क्या बात है यार भटजी या तो फिर रंगीन चश्म तरीके यार तुम मजे को यार भटजी कह रहो काम धंधे काम तो हल्का ही है और मंदी की मार है। अच्छा के बात यार महेश मतलब खूब छिनिया खूब उन्हीं के काम मतलब ये पलायन का मतलब जो बहुत क्या बात है यार देखो मेन चीज हमारे भटजी ने कहो पलायन पलायन मतलब ये कि गांव घरन में महेश नहीं थे जब आदमी सब बाहर चले गए गिने चुने आदमी तो यार यो तो एक मंदी तो यो तो छो बल्कि खैर हमारे होइन में ये चीज देखेनी कि मंदी जो छो मार थे और यह कस रेटा दिन जा सही दिशा है महंगा लोग आदमी के पास पैसों की कमी है मंदी है मतलब कमी पैसे हम दे रहे हैं ऑनलाइन से भी कमी सस्ते देते हैं। क्या बात है यार लेकिन वेराइटी तो एक से एक धरी यार तुम बोलो बाप रे हैं ले फोटो ले टें 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 तो मतलब यार चश्म एक यार चीज छू ना जैसा मैं एक यार चीज चुने कि जेल जो ना मैं ऐसा मतलब जो आकृति थी वो जरा बढ़िया दिखी तो यह लीजिए मीन मीन को यार जब इतनी आ रही है चश्म भटजी ने वहाँ पर लेनो रंगीन वाल तो तो तब मैं इतनी पूछे थी और बहुत सारी वेराइटी इन्होंने दिख रही यार यो मिले दिखी नहीं है देखो टेंटन है क्या बात है यार कुछ संपर्क है यार यो ये कि देख एक याद हो ना गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा तो बा खुदा खैर करे यार भटजी हो तो बिल्कुल रेबन रेबन लग रहा है यार बात है यार तुमको पूरी चमकर हो यार भटजी हो जी बिल्कुल पलायन की मार दीपू भाई तुम बता सकते हो यार मतलब हमें दीपू भाई लिखनी की पलायन वाल बात ना तो पलायन मतलब समझ सकते हैं यार। और मैं पोस्ट ऑफिस जो बात करनी वो बात मेरे आदूगा रखे पोस्ट ऑफिस यो जो चू यहाँ हर चीज मिलो जस्ट बीएड फॉर्म और सबसे अधिक मात्रा में जो जो लोग उनके पतन है वो लोग उनके बतूनी की यह मुख्य गेट तुम दखला यह का ताऊब जो बागेश्वर मुख्य डाकघर जो पोस्ट ऑफिस जो और यहाँ जो चीज जदू फॉर्म सरकारी फॉर्म होनी जो ऑनलाइन ना जो ऑफलाइन होनी जस्ट बी एड फॉर्म हो गया और बहुत चीज होनी यार तो वो पोस्ट ऑफिस में मिलनी और यहाँ टिकट सब चीज मिला पोस्टल ऑर्डर तुमके यहाँ मिल जाल जस्ट सूचना का अधिकार में पोस्टल ऑर्डर लागू 10 बॉल पोस्टल ऑर्डर या इसी कपे तो उला इतनी मिला तो बहुत सारी मतलब चीज छिन जो मैं बताऊँ जानो अब लाइव मैं कोशिश हूँ अगर लाइव में अगर करनी तो ये जो छो ना थोड़ा सा मैशन का पत्ता लग जाओ कत्ती के हराओ कभी और माहौल तो जोरदार भट जी है हाँ तो यो अब यो अब टीम ही इतनी हरी दीव भैया बैठे हैं दीपो
क्या बात है यार, प्रो है अपना भाई। तो फोटो में आप अदल आप खाई जी यार, सब भट्ट जी की देन है। तो यो अरिमी मुख्य जो चौराहा छो, यो चौराहा तिराहा कुनी सी, मतलब उसी चौराहा लग होने पाए, लेकिन तिराहा भयो मेन जो मजू तुम देखना चाहे गरुड़ साइड हो जा, जो हमारा गरुड़ यहाँ बटी रे फिर, और बैजनाथ बटी द्वि रोड कट जाल, एक जल ग्वालदम, ग्वालदम मतलब देहरादून क्षेत्र हो जाल, गढ़वाल क्षेत्र हो जाल, और एक जो छू यो अलमाड़ो जाल कौशाणी होते हुए जाल, और हैं जी जी तीन रोड भाई ए दाड़ीम के दूला कटोल। तो मतलब कौन मतलब जो कि इतनी बड़ी बहुत रूट जानी, और ये तजू वाल जो छो ये ताकुला वाला जो छो ये ताकुलाओं जाल, लेकिन गोमती पुल पार बड़ी ग्रेचिना ले जाला तुम सीधे ग्रेचिना, इतनी हिगाड़ी पर ग्रेचिना एक रूट जहाँ जो कौशाण अपरे हिगाड़ी सोमेश्वर में तुमके सिद्ध मिला, और ये दूसरा रूट जो यहाँ जितनी में ठाड़ छो मतलब जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ बटी यह रूट जो जाल यह सिद्ध जाल तुम्हें कांडो, और ये तिला द्वि रूट या द्वि रूट चेंज है जाल, एक जाल इतनी बटी तुम्हारा कपकोट जाल, कपकोट जो छो यहाँ के विधानसभा क्षेत्र छो, और वहाँ बटी कपकोट पर होते हुए अगर टच अगर कर ला तो वो जो छो ऊनी वाले टाइम पर तुम पिथौरागढ़ जा सकता, और दूसरा कांडा वाल लाइन हो जो डायरेक्ट एल जो गाड़ी चलनी पिथौरागढ़ हो वो कांडा वाल लाइन हो जानी। तो यह चीज इतनी छिन और मैं कोशिश थी यार तुम के देखोना कि यहाँ कह चल रहा, क्योंकि बे होई में यहाँ माहौल अलग थी और आज माहौल अलग थे, क्योंकि यार सब जो थी ना रंगत गनी, और गाँव गाँव जो दीपू भाई लगनी रोड पूछगी, रोड पूछगी, लेकिन गाँव में आप मैच नहीं थे। तो यो खासियत हो कि मैच जो चिन्ह अब जो चिन्ह धीरे धीरे पलायन करनी, चतुर्दशी दिन यहाँ बहुत जानी अब घर आ रहा जी, लेकिन छलड़ी दिन थी बिल्कुल सुनसान हो गई, क्योंकि एक दिन गैप थी तो मैच जो चिन्ह अब घरों ले गए, तो घर अब मैजनल हल्द्वानी बनाई ली शहरन में करी, क्योंकि सुविधा जब है नहीं नई चश्मा उद्घाटन कर लिया। तो यार चश्म चश्म अरे बस हो चश्म मिले देखने यार, क्या बात है यार, आप ही हो यार, केदारनाथ महिपाल था अपन नंबर दे दिया मीन यो पेज में आप नंबर धर पो और जरूर देखिया, चश्म भोला लगना यार बस लगना चश्म बताया। मैं उची वो वाल दूसरा चश्म पहनू नहीं ये वाल नहीं पहन तब। तो लाइव यार आज यह है समाप्त तो करना, और मैं कोशिश थी कि तुम ये देखो, और ये तलू जो बाट जा है रजा, चश्मा कैसा लग रहा सही बता, झूठ मत बोलना है, ठीक है चल यार तूने कह दिया तो इसका मतलब अच्छा ही लग रहा होगा। तो और यो वाल जो बाट जाल ये बागनाथ मंदिर सिद्ध जाल, और अब जो जो हमारे सूर्य खेतवाल जी हमारे नगर पालिका अध्यक्ष चिन्ह उनूल जो छो मैं टाइल लगर की, और अब जो छो मतलब जोरदार देखे यार तुम कहना अगर यहाँ पिटी तलू जाला तो टाइल टाइल होगा, और मैं बीच में जो छीण की उस छीण अब बंद है की एक बारात कर जाने यार, क्या बात है यार मजा आ गया, क्या सजी है यार गुरुजी। अरे गजब यार सिक्की मारनी यार लौट मोट बाप रे, अरे बरात गए जाने यार, हेलो क्या बात है यार, हेलो बरतियो यार यो हेलो लेना कदी नहीं यार, वो गाड़ी पे भैर पे भी सिक्की मारना है यार, बरात है हेलो रंगत यार, दादा नमस्कार बताइया बरेतियो ठीक रहो, क्या बात है यार बारात में भर भर बेर यार। तो आज जो लास्ट लगन छू शायद आज भोज दो तीन दिन यो लगन लास्ट चल रही, क्या बात है यार जाते जाते बारात अपना रंगत नहीं पाया, क्या बात है वो गाना ले चल रहा यार वो बटी शराब ने पिन ले जा गुरुजी, गुरुजी नमस्कार
अरे क्या गोले दीपू भाई के वहाँ गोले जा रहे हैं, क्या बात है यार दीपू भाई। तो मतलब गाना ले यार वो, मतलब मुझे एक चीज बढ़िया लगा, नन्नू मेरा भाई सबसे बढ़िया, नन्नू भैया। तो ये बारात में मुझे एक हासिल लगी, हमें बहनी जो थी ना वो भेड़ पेर गाना गुनाचे, और गाना अगर वो खूनी तो मतलब यार समझ सकते हैं बस माहौल हरनौल, और जो एक तो टेप में चलो एक खपल, जो खपक हम लोग भेड़ पेर मतलब मुंह से जो गाना हम गाते हैं तो वो बात अलग रहे यार। तो यार लाइव जो चुने बहुत लंबा हो कते जहर लगन जा चश्म का लगने में बताया यार केदार महर बजरंगी जी मतलब जहर है जहर है बाप रे, मतलब बधेर ई चीज देख दे सबसे पहले चुटान करे लो कॉल की के पढ़ना चाहे कभी, क्योंकि माँ जो है ना अपने बच्चे को साधारण रूप में देखना पसंद करती है, ज़्यादा वो छल बलाट होकर फलने लगा तो ई सबसे पहली ईजे प्रतिक्रिया है। लेकिन तुम सपनल हो कि चशम भर लगना यह एक धन्यवाद, और आज लाइव नहीं है समाप्त तो करना, और कि अगर ये में गलती है गई तो मैं माफ़ी जान, क्योंकि मैं कोशिश हूँ कि बढ़िया से बढ़िया तुम लोगों के यहाँ का दृश्य देखो, और बकाई के उन्होंने जय हिंद जय उत्तराखंड जय बाबा बागनाथ जी।